अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैट्रिक इम्तिहानात के शेड्यूल तब्दील। 14 मार्च से शुरू होने वाले मैट्रिक सालाना इम्तिहानात के शेड्यूल में तब्दीली का फैसला कर दिया गया है आल बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से। बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। आखिरकार तुलाबा, वालदेन और असातिज़ा के इसरार पर एक मरतबा फिर खैबर पख्तूनख्वा के तमाम तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक क्लास 9 और 10 के इम्तिहानात की शेड्यूल में तब्दीली का फैसला कर दिया है। अब ये इम्तिहानात कब होंगे और एंटर क्या इसका इंटरमीडिएट की स्टूडेंट के एग्ज़ाम पर असर पड़ेगा, तो आप हमारे साथ इस वीडियो को एंड तक देखिए। आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप चैनल में नए हो तो लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बिल आइकन भी प्रेस करें। तफसीलात के मुताबिक ज़राए का कहना है कि मैट्रिक इम्तहानात शेड्यूल तब्दील। 14 मार्च से शुरू होने वाले मैट्रिक सालाना इम्तहानात के शेड्यूल में तब्दीली का फैसला कर दिया गया है। बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी की है। मैट्रिक के इम्तहानात ईद उल फितर के बाद मुमकिन तौर पर 18 अप्रैल से शुरू होंगे और इसी हिसाब से इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए भी बड़ी अच्छी खबर है कि अब उनका इम्तिहानात मई में कंडक्ट किया जाएगा। एक मरतबा फिर तमाम स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा और गुड न्यूज़ है। लेकिन क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट अगर चाहते हैं कि वो बेहतरीन SLO बेस पेपर, गेस पेपर और इसके अलावा इम्तिहानात के हवाले से ज़बरदस्त स्टेप हासिल करें, जिसकी वजह से आपका 100% रिजल्ट कन्फर्म, अच्छे मार्क्स आएंगे, तो जल्दी करें, सर कासिम को मैसेज करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। 03 31 58 20 457 पर मैसेज करें।